हेलो गाइस, आज बात करने वाले हैं हम टूडूम इवेंट पे जितने भी अनाउंसमेंट हुए हैं और फोटो देखने को मिले या फर्स्ट लुक देखने को या टीजर क्या क्या देखने को मिला, सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट फॉर मी, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और मेरा नाम अखिलेश, आप देख रहे हैं एनएफटी रिव्यू। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, अक्टूबर सीजन 2 की भी अनाउंस हो चुकी है और ये मिड 2024 तक आपको देखने को मिलने वाला है। और ये क्लोन ट्रॉन मूवी आने वाला है जो कि नेटफ्लिक्स की तरफ से अनाउंस किया गया है। ये जुलाई के अंदर में आने वाला है और ये आपको देखने को मिलेगा जुलाई के अंदर। और इसके बाद कोबरा काई का 6 सीजन अनाउंस कर दिया गया है, इसका डेट तो मालूम नहीं है कब तक देखने को मिलेगा। और ये इसके बाद आता है हमारा ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी, जो कि ये वेब सीरीज होने वाला है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय के दौरान की ये स्टोरी इधर सेटअप रहेगी इसमें, और ये आपको लिमिटेड सीरीज देखने को ही मिलेगा। इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि लिमिटेड सीरीज ये रहने वाला है और इसका जो रिलीज अभी 2 नवंबर को देखने को मिलेगा इसी साल के अंदर बताया जा रहा है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। ब्रिजर्टन का फाइनल सीजन का एक हमको फर्स्ट लुक देखने को मिला है और ये इसके बाद हमारा आता है यू सीजन का फाइनल जो सीजन है उसका एक ट्रेलर देखने को हमें टूडूम इवेंट के दौरान देखने को मिला है। और इसके इलेट का सीजन, अगला सीजन हमें अनाउंस कर दिया गया है, इसका ट्रेलर भी देखने को मिला और साथ में उधर हमको इसका प्रीमियर डेट भी पता चला है कि 20 अक्टूबर को ये नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होने वाला है। तो अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि क्वीन सैलेड जो कि सीजन 2 अनाउंसमेंट कर दिया गया है, इसका डेट ना ही कुछ और पता चला है, वहाँ पर फुटेजेस दिखाए गए हैं इसके थोड़े बहुत। और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, तब इस बिहाइंड का सीजन 5 भी अनाउंस कर दिया गया है और ये आपको टीजर वहाँ पर देखने को मिला टूडूम इवेंट के दौरान। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर, जो कि हमारा मस्त वाला जो मस्त लगा हमको इसका टीजर और थोड़ा पोस्टर वगैरह, तो मजा लगा इसको देख। फर्स्ट टॉपर भी अनाउंस कर दिया गया है जो कि सीजन 2 होने वाला है इसका, और इसका टोटल एपिसोड 8 होने वाले हैं, जो कि एक धोनी धोनी 8 होने वाले हैं। और इसका अगस्त में रिलीज होने वाला है 3 अगस्त को, तो आप जरूर देखने वाले हैं कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस अवतार द लास्ट ऑफ एयर बेंडर जो कि 2024 में रिलीज होने वाला है। और इसके बाद हम वन पीस की बात करते हैं जो कि एनीमे है और काफी लंबी सीरीज है एनीमे, वो आपको लाइव एक्शन में देखने वाला है मिलने वाला है मतलब, तो वो कितने तारीख को देखने को मिलेगा। और स्टार्टिंग में ही आके हमें सरप्राइज कर दिया इन्होंने और ये हमें सीधा सीधी बता दिए कि आपको एक्सट्रैक्शन 3 भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, क्यों क्या शर्त है वो बोले कि आपको पहले एक्सट्रैक्शन 2 को पूरा अच्छा रिस्पांस मिलेगा तभी आपको एक्सट्रैक्शन 3 भी देखने को मिलेगा। वालों ने एक और मूवी हमने एक निकाल के दे दिया लेफ्ट नाम से, जो कि आपको इसी 2024 में देखने को मिलेगा, मतलब आपको 2024 में देखने को मिलेगा, ये जनवरी के मंथ में 2024 के अंदर 12 जनवरी को देखने को मिलेगा। हाँ, 12 जनवरी देखने को मिलेगा। और इसके बाद हमें बात करते हैं हम विचर सीजन लास्ट जो है हमारा द विचर का, उसका एक एक्शन क्लिप देखने को मिला जो कि एकदम मजा कूल था वो यार, क्या सीन था, एक्शन सीन था वो, नेटफ्लिक्स के चैनल पर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे हम एमिली इन पेरिस, जो कि इसका सीजन 4 भी अनाउंस कर दिया गया है और ये इसी साल देखने को मिलेगा, राहत की बात है 21 दिसंबर को देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं बर्लिन सीरीज जो कि मनी हाइस्ट 6 है और इसका भी कुछ देखने को मिला है, जो कि हमको टीजर ये देखने को मिला है टूडूम इवेंट के दौरान। अब बात करते हैं इसकी, अब बात करते हैं हम केसोमेंटा आस सागस ब्रिजिल टेम्प्रोडा, स्पेलिंग मिस्टेक को तो माफ करना, इसका सीजन 3 आने वाला है जुलाई के मंथ में आने वाला, 2 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं ये सैड न्यूज है, जो नेवर हैव आई एवर के फ्रेंड्स थे जो कि सीजन अब जो आया था 8 जून को फाइनल, उसके बाद आपको ये देखने को कोई सीजन इसके नहीं देखने को मिलेगा टूडूम इवेंट में, इन्होंने बता दिया कि नेवर हैव आई एवर जो सीजन था उसका जो 8 तारीख को आया था जून के मंथ में, तो उसके बाद आपको देखने को कोई सीजन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं हम आर्ची जो ए फिल्म बाय द अख्तर, जो कि आपको इसी साल के अंदर देखने को मिलने वाला है और इसका रिलीज डेट अभी तो पता नहीं है लेकिन नवंबर के मंथ में देखने को मिलेगा। और टूडूम इवेंट के दौरान हमें ये एक ट्रेलर देखने को मिला यहाँ पे हमें,
अब बात करते हैं हम लूपिन, जो कि ये सीरीज आपको इसका तीसरा सीजन अनाउंस कर दिया गया है और ये आपको अक्टूबर 5 को देखने को मिलेगा इसी साल के अंदर में, और इसका भी टीजर और फोटोज और फर्स्ट लुक सब दिखाया गया है। बात करते हैं हम थ्री बॉडी प्रॉब्लम, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स के क्रिएटर ने बनाया है इस मूवी को, और यह आपको जनवरी के मंथ में देखने को मिलेगा 2024 के अंदर। ब्लीवर 2 की अनाउंसमेंट हो चुकी है और ये आपको इसी साल के अंदर देखने को मिलेगा। नेटफ्लिक्स ने ये चीज कंफर्म कर दिया। ब्लीवर 2 जो मूवी था उसका सीक्वल है ये। और अब बात करते हैं स्वीट होम, जो कि इसका सीक्वल अनाउंस कर दिया गया है सीजन 2, जो कि आपको पहले सीजन और जो पहला सीजन था उसका ही सीक्वल है। सीजन 2 और 3 भी अनाउंस कर दिया गया है, पहले कुछ दिन पहले ही अनाउंस कर दिया गया था 2 और 3 भी। नेटफ्लिक्स के चैनल पर आप सर्च करेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा वो वीडियो। और इसका अब बात करते हैं तो सीजन 2 का हमें एक पोस्टर देखने को मिला, जो कि फर्स्ट लुक हमें देख लिया है, आपको भी देखने को मिल रहा होगा। तो सॉन्ग ऑफ द बैंडिट्स, जो कि एक नया शो है नेटफ्लिक्स का और 2023 के ही अंदर ये रिलीज करना है, इसका फर्स्ट लुक ही देखने को मिला है हमें। और जॉनसन क्रिएटर सीजन 3 का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है, इसका रिलीज डेट भी सामने निकल के आया है, आपको 22 दिसंबर के इसी साल को देखने को मिलने वाला है। अब इसकी पोस्टर भी देखने को मिला और थोड़ा क्लिप्स देखने को मिला, ज़्यादा कुछ तो उतना नहीं बताया गया। इस शो का नाम है, आप पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रही है तो स्पेनिश वर्ड है, इस वजह से पढ़ नहीं पा रहा हूँ ठीक से, तो इस वजह से आपको नीचे शो हो रहा है। और ये 2024 के अंदर में रिलीज होने वाला है। वेडनेसडे की बात करने वाले हैं, जो कि हमें काफी दिनों से इंतजार है कुछ सुनने का और मिलेगा देखने को शायद, तो टूडूम इवेंट में फर्स्ट लुक और एक पोस्टर या टीजर कुछ तो देखने को मिलेगा। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिलेगा, आपको फैन थ्योरी ही मिलेगा। कुछ नहीं था तो क्यों साला इसमें ऐड ही क्यों करेगा, आपने क्यों इसको ऐड किया, फैन थ्योरी ही सुनाना था, क्यों ऐड किया, बस यही मिला वहाँ पे टूडूम इवेंट में। अब बात करते हैं हार्ट ऑफ स्टोन, जो कि आलिया भट्ट भी है हमारी इस मूवी में, आपको इसी साल के अंदर देखने को मिलेगा अगस्त के मंथ में, और ये आपको रिलीज होना 11 अगस्त को रिलीज होगा हार्ट ऑफ स्टोन। मैं एक्साइटेड हूँ कि आलिया भट्ट भी है, इंडियन एक्ट्रेस मैं इसको देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। आप कौन कौन से शो देखने वाले हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। आगे भी और भी इंफॉर्मेशन वाले वीडियो में लाने वाला हूँ, द बॉयज के ऊपर में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है आपने तो आपको धन्यवाद दिल से। और मैं अगले वीडियो में द बॉयज के 2 दिन या 3 दिनों में आन दूंगा ये आपको देखने के लिए, उसका जो भी न्यूज़ निकल के आया है, और साथ में असुर का भी कुछ कुछ न्यूज निकल के आ रहा है तो उसको भी देख लूंगा, कंफर्म हो जाएगा तो उसको भी मैं आपको बना के दे दूंगा। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।